Assalamualaikum, my name is Javed Iqbalewan. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन में लूप्स का. लूप्स पाइथन में दो तरह की लूप सपोर्टेड होती है, एक होती है फॉर लूप, एक होती है वाइल लूप. दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे सी शार्प हो गई, जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस या विजुअल बेसिक हो गई, उनमें एक एक्स्ट्रा एक और लूप भी होती है डू वाइल, जो कि लेकिन पाइथन में डू वाइल की लूप सपोर्ट नहीं करती है. पाइथन में उसमें जो फॉर लूप और वाइल लूप उनमें भी होती है, पाइथन में भी फॉर लूप और वाइल लूप होती है. जो कॉन्सेप्ट और जो पर्पस बाकी लैंग्वेजेस में लूप्स का होता है वही यहाँ पर पाइथन में भी होता है. सिंटैक्स का फ़र्क है, लेआउट का फ़र्क है, कुछ वैरायटी है, कुछ मेथड्स का फ़र्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है. एक सिंपल सी बात है कि अगर हमें किसी भी सिक्वेंस में इटरेटिंग करनी हो, यानी इटरेटिंग ओवर अ सिक्वेंस चाहे वो लिस्ट की शक्ल में हो, चाहे टूपल की शक्ल में हो, चाहे डिक्शनरी की शक्ल में हो, चाहे सेट की शक्ल में हो, चाहे स्ट्रिंग एरे की शक्ल में हो, या डेटाबेस में डेटा मौजूद है, वो सिक्वेंस में डेटा मौजूद है, उसको अगर हमें रिट्रीव करना चाहते हैं तो इन तमाम पर्पज़ में लूप इस्तेमाल होती है. तो आज हम लूप को देखेंगे, फॉर लूप भी देखेंगे, वाइल लूप भी देखेंगे. तो मैं यहाँ से एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं. सिंटैक्स क्या है पाइथन में, मेन चीज़ होती है सिंटैक्स. कोई भी लैंग्वेज पे काम करना है तो उसका सिंटैक्स हमें ख्याल रखना पड़ता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, पाइथन में लिस्ट बनाते हैं, जैसे मेरे नेम के नाम से लिस्ट बनाता हूँ और मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ. मैंने कहा ओवेज असद दे दिया मैंने, और एक नाम मैंने और पास कर दिया, हमने कहा चाहिए, ठीक है जी. अब मैंने तीन नाम पास कर दिया. ये तीन नाम हमारे पास, जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में हम इसको एरे की शक्ल देते हैं, यहाँ पे ये जो है वो लिस्ट की शक्ल में इसको कॉल किया जाता है पाइथन में. तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ नेम के नाम से, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग लिस्ट बना रहा हूँ उसमें मैंने तीन नाम पास किए. अब मैं चाहता हूँ तीनों का मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं लूप चलानी पड़ेगी. जब हमें एक से ज़्यादा आउटपुट चाहिए होता है कोई भी लैंग्वेज होती है, तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है, लूप होती है. चाहे वहाँ पे हम फॉरिच की लूप चलाते हैं, यहाँ पे फॉरिच लूप नहीं है, यहाँ पे फॉर लूप चला लेते हैं या वाइल लूप के थ्रू इसको काम कर लेते हैं. तो सिंपल से हमने यहाँ पे लूप चलाना है, तो अपने कोई भी लूप चलाने के लिए अपने फॉर लिखा है, फॉर के बाद आपको कोई भी एक वेरिएबल बनाना है. आपने जैसे एन के नाम से वेरिएबल बना दिया, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे आई एन एन लिखना है जो कि रेंज के लिए इस्तेमाल होता है. इसके बाद आपने वो बताना है ऑब्जेक्ट जहाँ पे डेटा मौजूद है. डेटा आपका नेम के वेरिएबल में मौजूद है, नेम की लिस्ट में मौजूद है, तो नेम आप दे देंगे तो सारा डेटा आपका एन में पास कर देगा जैसे आम जगह होता है. सिर्फ यहाँ पे ख्याल क्या करना है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में फोर के साथ कलरी ब्रैकेट का ब्लॉक होता है, यहाँ पे कलरी ब्रैकेट का ब्लॉक नहीं होता बल्कि कॉलन होता है. ये लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूँ, जहाँ मैंने इफ की कंडीशन लगाई थी कि जैसे इफ की कंडीशन के बाद हम कलरी ब्रैकेट का ब्लॉक में स्टेटमेंट पास करते हैं, कोड ऑफ स्टेटमेंट होता है हमारा, तो उसके लिए कलरी ब्रैकेट की बॉडी बनती है. यहाँ पे बॉडी कॉलन से बनती है, आपने कॉलन लगा के जैसे एंटर करेंगे तो आपको बिल्कुल शुरू में नहीं लेकर जाएगा बल्कि बीच में लेकर आएगा, यानी एक टाइप का स्पेस देकर लेकर आएगा. तो इसका मतलब है अब जो मैं लिखूंगा वो फॉर की लूप की बॉडी बन गया. अब मैं यहाँ पे आके जैसे प्रिंट कराता हूँ, मैंने कहा प्रिंट कर दो एक्स को, तो ये फॉर की लूप की बॉडी हो गया. अब अगर मुझे इस बॉडी से बाहर जाना है तो फिर मैं पीछे जाऊँगा, तो अब मैं इस बॉडी से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस बॉडी के अंदर ही कोई काम करना है तो मैं इसके अंदर ही रहूँगा, तो मैं यहाँ पर काम करेंगे. अब जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, सॉरी एक्स नहीं, एन वेरिएबल है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर एन पास कर दिया. अब जैसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ, देखिए मेरे पास तीनों नाम जावेद, अवेश और असद, तीनों का आउटपुट आ गया एक साथ. उसने लूप चलाई और सारा का डेटा मुझे पास कर दिया इसने एन के वेरिएबल में असाइन करके. पाइथन में एक वैरायटी और भी है कि अगर मैं किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस से तमाम कैरेक्टर्स की दरमियान में लूप चलाना चाहता हूँ तो वो भी हम चला सकते हैं, जो कि बाकी जगहों पे होता है लेकिन मुश्किल तरीके से होता है. बाकी लैंग्वेज के अंदर पाइथन में वही सिंटैक्स है. अब जब आपने कोई भी वेरिएबल लिया, आपने एक्स लिया एन, और यहाँ पे आपने कोई भी नाम पास कर दिया, आपने कहा जावेद. तो अब जैसे मैं यहाँ पे आके अगर प्रिंट करवाता हूँ, मैंने कहा प्रिंट कर दो एक्स को, तो अब जो है वो जावेद को जे ए डब्ल्यू ए आई डी को वो अलग अलग करेक्टर में मुझे लूप चला के दे देगा. बड़ी आसानी से हो जाता है पाइथन में, जाके बाकी लैंग्वेजेस में काफ़ी मुश्किल तरीके से काम किया जाता है. अच्छा, जैसे हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास जो है वो ब्रेक लगता है, ब्रेक की स्टेटमेंट लगती है, तो हम यहाँ पर पाइथन में ब्रेक लगा सकते हैं क्योंकि ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ये स्टेटमेंट है जो कि हम लूप के साथ इस्तेमाल करते हैं. बाकी लैंग्वेजेस में पाइथन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका पर्पज़ वही होता है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में जो है वही मकसद पाइथन में भी है. यानी ब्रेक का मतलब है ब्रेक करना, कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू करना. वही हम करेंगे, अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे मैं यही कोड उठा लेता हूँ और जैसे मैंने प्रिंट करवाया था, अब मैं इसको यहाँ पे आके प्रिंट कर, वैसे मैं ऊपर से इसको ले सकता हूँ लेकिन जो है कभी कभी इशू करता है वहाँ से आके, तो इसलिए फिर यहाँ से मैं लेता हूँ. अब मैं कहता हूँ कि जैसे
जैसे मैंने पहले प्रिंट करवा दिया, चले हमने प्रिंट करवा दिया, अब प्रिंट करवाने के बाद मैं चेक करवाता हूँ। अब मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इफ़ और एक्स एन जिसके अंदर सारा डेटा जा चुका है नेम से लिस्ट से, तो मैं कहता हूँ अगर एन की वैल्यू यहाँ पे ओवेस हो जाती है, ठीक है जी, तो फिर मैं यहाँ पे इसकी बॉडी बनाने के लिए फिर कॉलन लगाऊंगा, तो देन उस सूरत में मैंने क्या कर दो ब्रेक। अब देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले मैंने जावेद अवेस असद एक लिस्ट में पास किया, फिर एन एक वेरिएबल लेके और उसको मैंने लिस्ट का क्रॉसिंग कर दिए, तो सारा डेटा एन में आ गया। फिर मैंने कहा प्रिंट कर दो एन को, पहले जावेद का प्रिंट करेगा, फिर अवेस का प्रिंट करेगा, जावेद प्रिंट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी फिर वापस जाएगा, अवेस का प्रिंट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, और जब कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन चूंकि वो अवेस का प्रिंट कर चुका है तो इसका मतलब है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ, देखिए मेरे पास जावेद और अवेस का उसने प्रिंट करके असद का प्रिंट नहीं किया, क्योंकि वो उसको कंडीशन मैच हो गई और वहाँ से वो बाहर चला गया, क्योंकि मैंने पहले प्रिंट करवाया इसके बाद मैंने ब्रेक लगाया, तो इस वजह से अवेस का प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे आके पहले ब्रेक लगाऊं और फिर प्रिंट करवाऊंगा तो इसका मतलब है जब से उसको कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर जब वो प्रिंट तो नहीं कर किया होगा ना उसने, तो फिर वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू अगर अवेस हो जाती है तो देन उस सूरत में मैं कहता हूँ ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देन उस सूरत में आप देखें सिर्फ जावेद का प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, मैंने कट और पेस्ट किया था, तो अगर मैं इसको यहाँ पे आगे रख देता, इस बात का कॉन्सेप्ट ले जाएगा, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों आउटपुट नहीं आएगा कि प्रिंट तो उस इफ़ की बॉडी के अंदर आ गया, तो ब्रेक के बाद अंदर ही आ गया, तो फिर कंडीशन कैसे ट्रू होने पे क्या करे वो। प्रिंट का मतलब ये कि कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रिंट करो ना, लेकिन वो तो कंडीशन के अंदर ही रह गया, तो आप इसको कंडीशन से बाहर निकालोगे। अब देखिए यहाँ से आ गया तो ब्रेक करेगा और फिर प्रिंट करेगा, तो अब सूरत में प्रिंट होगा। इस चीज़ों छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, पाइथन में ये थोड़े इशूज़ क्रिएट होते हैं, क्योंकि आपको इतना आइडिया नहीं होता, एक वक्त होता है इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन आपने शुरू में ये इशूज़ क्रिएट होते हैं, इसको साथ साथ आपने डील करना होगा, समझना होगा। कंटिन्यू जैसे मेरे पास स्टेटमेंट लगती है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, यहाँ पर भी ऐसी लगती है, तो अगर मैं यहाँ पर आके जैसे मैंने यही कोड में उठा लेता हूँ और मैं पहले चेक करवाता हूँ, उसके बाद जहाँ मैंने ब्रेक लगाया था तो ब्रेक की जगह मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब देखिए जब वो प्रिंट कर देगा, जावेद का प्रिंट करेगा, अवेस पे आके रुक जाएगा, और जब अवेस पे आके रुक जाएगा तो इसका मतलब है वो उसको तो कंटिन्यू मिला, लेकिन यहाँ पे रुक गया तो अवेस का प्रिंट नहीं करेगा, अवेस पे आके रुक जाएगा और फिर उसको जब कंटिन्यू मिलेगा तो अब इसका बिहेवियर क्या है कि अवेस का उसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि अवेस पे आके रुक गया, अब उसको मिला कंटिन्यू, तो उस अवेस पे आके रुक गया तो अवेस का प्रिंट नहीं करेगा, कंटिन्यू पे दोबारा ऊपर जाएगा, और अवेस का तो ऑलरेडी नाम उठा चुका था, फिर वो असद के पास जाएगा, असद का नाम लेकर आएगा और उसके जावेद और असद का प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई भी लैंग्वेज होती है हम उसके सिंटैक्स को और उसके आउटपुट को समझना होता है, ताकि हम वक्त से पहले ये डिसीजन कर सकें कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप डेवलपर बन सकते हो कि आपको आप काम कर रहे हो, आप काम करने से पहले आपकी उंगलियां बाद में चले, पहले आपका माइंड आउटपुट जनरेट करे, तो इसका मतलब है आप डेवलपर हो, तो हमें उसका बिहेवियर समझना होता है। तो अगर मैं कंटिन्यू यहाँ पे लगा रहा हूँ तो कंटिन्यू कर रहा हूँ तो अवेस एन इक्वल टू अवेस यहाँ पे आके कंडीशन को मैच करेगा, जैसे कंडीशन मैच हो जाएगी तो मैच होने के बाद जब उसको कंटिन्यू मिलेगा तो ये वापस रिटर्न ऊपर जाएगा। अब अवेस तो ला चुका था तो ये असत पे जाएगा, तो जावेद और असत का प्रिंट लेकर आएगा, अवेस का प्रिंट इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं नंबर्स की लूप चाहता हूँ, नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो जैसे हमारे आम लैंग्वेजेस में होता है तो यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे हमें रेंज का मेथड मिलता है। फॉर लूप चलानी है, मैंने कहा फॉर लगा दिया, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया और फिर आपने कहा इन और फिर आपने रेंज लगाना है। रेंज एक मेथड है पाइथन का, लूप के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास इसके तीन आर्गूमेंट होते हैं, अगर आप इसके अंदर एक ही नंबर पास करोगे तो इसका मतलब है ये आपके पास हो जाएगी एंडिंग वैल्यू ऑफ लूप, यानी अगर मैं 5 कर दिया तो इसका मतलब है 5 तक, यानी 5 प्रिंट नहीं करेगा, 5 तक प्रिंट करेगा। स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये 0 उठाता है, अब मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ तो ये 0 उठाएगा, तो इसका मतलब जो लूप चलेगी वो लूप चलेगी 0 से लेके 4 तक, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब 0 से शुरू करेगा और 4 तक प्रिंट करेगा, तो इसका मतलब 5 प्रिंट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया, मैंने कहा प्रिंट कर दो एक्स को, तो इसका मतलब मुझे आएगा 0 1 2 3 4, 5 का प्रिंट नहीं आएगा, ठीक है जी।
اسی کو اگر میں مزید یوز کرتا ہوں اور میں نے یہاں پر آ کے میں نے کہا فار ایگزامپل میں اس کو ایک دوسرا نمبر بھی دوں گا تو اس کا مطلب یہ اب ہوگی اس کی یہ اینڈنگ ویلیو اور 5 ہوگی اس کی اسٹارٹنگ ویلیو. اس کا مطلب 5 سے شروع کرے گا اور 10 تک, 10 کا پرنٹ نہیں کرے گا, 10 تک یعنی 9 تک پرنٹ کر دے گا. تو 5 سے شروع کرے گا اور 9 تک مجھے پرنٹ دے گا. اب دیکھیں آؤٹ پٹ کیا آ گیا 5 سے لے کے 9 تک. اس کا تیسرے آرگومنٹ میں جو ہم دیتے ہیں وہ انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ہوتا ہے. بائی ڈیفالٹ اس کا 1-1 کا انکریمنٹ ہوتا ہے. اگر میں یہاں پہ آ کے 2 کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہے 2-2 کا انکریمنٹ کرے گا, تو 5-7-9 3 کا پرنٹ دے دے گا مجھے. ٹھیک ہے جی. اگر میں ایون نمبر چاہتا ہوں 1 سے لے کے 10 کے درمیان میں, تو پھر یہاں پہ جیسے میں نے لکھ دیا فار ایگزامپل ہم نے اسٹارٹ کر دیا, ہم نے کہا 0 سے اسٹارٹ کر دو, 0 سے 10 کے درمیان چاہیے مجھے, اور تم دو دو کا جمپ کر دیں گے تو 0, 2, 4, 6, 8 اور 8 تک آئے گا, 10 نہیں آئے گا. میں 10 بھی چاہتا ہوں تو اس کو 11 تک کر دوں گا, تو 0 سے لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور ساتھ میں اگر میں کوئی پرنٹ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ایون نمبر ہے, تو آپ نے جیسے یہاں پہ لکھ دیا آپ نے کہا ایون نمبر از, اور ساتھ میں آپ نے کامن لگا دیا, تو آپ کیا آ گیا دیکھیں ایون نمبر آپ کے پاس 0 سے لے کے 10 تک آ گیا. اگر میں آڈ نمبر چاہتا ہوں 1 سے 10 کے درمیان میں, تو میں اس کو اسٹارٹنگ 1 سے کر دوں گا اور باقی کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے, صرف میں میسیج پھر چینج کروا دوں گا. میں کہہ دوں گا اوڈ نمبر اس, اور یہاں پہ ہمارے پاس 1, 3, 5, 7, 9 تک پرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ لوپ چلاتے ہیں, رینج کے میتھڈ کو یوز کرتے ہیں. اگر میں اس میں کوئی ٹیبل پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑا آسان ہے. اگر کسی نمبر کا ٹیبل پرنٹ کروانا ہے, مخصوص کسی نمبر کا ہے, فار ایگزامپل مجھے 7 کا پرنٹ چاہیے, 7 کا ٹیبل چاہیے, تو ہم نے 7 دے دیا, ایکس دے دیا, اور اس کے بعد میرے کو یہاں سے 1 لے گا, اور 1 لینے کے بعد میں نے اس کے اندر ایکول لگا دیا, اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر آ کے 7 کو ملٹیپلائی کر دیا کس سے, ایکس سے. تو میرے پاس 7 کا ٹیبل آ گیا. لوپ میں چلاؤں گا 1 سے 11 تک, یعنی 10 تک چاہیے مجھے, اور 1 ایک کا جمع کرنا ہے یا اس کو ہٹا دیا. بائی ڈیفالٹ 1 ہوتا ہے. تو میرے پاس دیکھیں 7 کا ٹیبل 1 سے لے کے 10 تک آ گیا. اگر میں چاہتا ہوں میں جو نمبر لکھوں اس کا ٹیبل آ جائے, تو وہ میں لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں, ان پٹ لے سکتے ہیں. میں یہاں پہ ان پٹ لینے کے لیے وہی کوڈ لگاتا ہوں. میں نے کوئی بھی ایک ویریبل لے لیا ہے, جیسے ٹی کے نام سے ویریبل لیا, اور میں چاہتا ہوں جو ان پٹ آئے وہ انٹیجر فارم میں آئے, تو میں انٹ لے لوں گا, اور انٹ کے آرگومنٹ پہ آ کے یہاں میں ان پٹ باکس پاس کروں گا. میں نے کہا ان پٹ, اور یہاں کوئی میسج پاس کر دیا. ہم نے کہا ٹائپ نمبر فور ٹیبل. اب جو یہاں پہ ویلیو ہوگی وہ ٹی کے ویریبل میں آ جائے گی. میں اسٹارٹنگ ویلیو بھی اپنی مرضی کی دینا چاہتا ہوں, اینڈنگ ویلیو بھی اپنی مرضی کی دینا چاہتا ہوں, تو میں نے اسی کوڈ کو کاپی کر لیا, اور میں یہاں پر آ کے میں نے کہا ایس اسٹارٹنگ ویلیو دینا چاہتا ہوں فار اسٹارٹنگ, کہ کہاں سے اسٹارٹ کرے, اور اسی طریقے سے میں اس کو میسیج چینج کر دیتا ہوں. میں نے کہا اینڈنگ کہاں پہ اینڈ کرے, اور اس ویریبل کو ہم نے ای دے دیا. یعنی ٹی کے اندر جو ویریبل ہوگا, جب ان پٹ باکس آئے گا میں نمبر لکھوں گا, وہ ٹی کے ویریبل میں چلا جائے گا. اس میں آپشن ٹیبل کا نام پوچھے گا, تو اس کو میں یہاں پہ آ کے ٹی جو ہے یہاں پہ جو میں 7 لکھا تھا, اس 7 کو میں یہاں سے اسٹرنگ سے باہر نکال لوں گا اور ٹی پاس کر دوں گا, اور جہاں میں نے 7 کو ملٹیپلائی کیا تھا اس کی جگہ میں ٹی کو ملٹیپلائی کر دوں گا. اسٹارٹنگ ویلیو جو لکھے گا وہ ایس میں پاس کر رہا ہوں. اسٹارٹنگ ویلیو میں نے یہاں 1 لکھی ہے تو 1 کی جگہ میں ایس دے دوں گا. اینڈنگ ویلیو میں نے ای لکھی ہے تو 11 کی جگہ میں ای پاس کر دوں گا. بس ہمارا ٹیبل بن گیا. جو میں نمبر لکھوں گا اسٹارٹنگ ویلیو بھی دوں گا, اینڈنگ ویلیو بھی دوں گا, اور اس کے اگینسٹ میں جو ٹیبل جنریٹ ہوگا وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا. میں کا ٹیبل چاہیے فار ایگزامپل مجھے 9 کا, اور مجھے جو اسٹارٹ کرنا ہے 5 سے, اور مجھے اس کو اینڈ کرنا ہے 12 پہ. تو میرے پاس 9 5 45 سے 9 11 99 تک ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹ پٹ آ گیا. تو یہ 9 کا ٹیبل ہمارا جنریٹ ہو گیا, جو ہم نے کنڈیشنز لگائی اس کے مطابق ٹیبل ہمارا آ گیا. تو بہت بڑا ایزی ہے اور بہت سمپل طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے کام کرنے کا. فور لوپ کے اندر بڑی آسانی سے کام ہوتا ہے. اگر میں نیسٹڈ لوپ چلانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں نیسٹڈ لوپ, تو اس کا مطلب میں دو لسٹ بنانی پڑے گی. تو میں ایک لسٹ تو یہی اٹھا لیتا ہوں, اور ایک لسٹ میں اور لے لیتا ہوں. اس کو میں نام شارٹ کر دیتا ہوں. میں نے اس کو اے کا نام دے دیا فار ایگزامپل, اور ایک اور میں نے بی کا نام لے لیا, اور یہاں پر آ کے میں نے کچھ اور ویلیو پاس کر دی. میں نے کہا ٹیچر مینیجر, اور میں نے کہا
हमने एडमिन, ठीक है ना, ये तीन मैंने नाम पास कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इन दोनों लिस्ट से डेटा उठाना चाहता हूँ, पहले एक लिस्ट से आए यानी पेरेंट से आए, फिर उसके चाइल्ड से आए, तो उसका मतलब मुझे यहाँ पे आके जो है वो नेस्टेड लूप बनानी पड़ेगी। मैंने फॉर के लूप बनाए, नेस्टेड लूप बनाने के लिए मैंने कोई भी वेरिएबल लिया और पहले मैं ए से उसको पास कर दूंगा, तो कॉलन लगा के उसकी बॉडी बनाई। अब इस बॉडी के अंदर मैं प्रिंट नहीं करवाता बल्कि एक और लूप बनाता हूँ जो उसकी चाइल्ड लूप हो जाएगी। मैंने कहा फॉर वाई एन चाइल्ड भी हो जाएगी, इसकी नेस्टेड भी हो जाएगी, और इसको मैंने वाई को जो है वो बी से वैल्यू पास कर दी और एक्स को मैंने ए से वैल्यू पास कर दी। दोनों लिस्ट मैंने दोनों अलग अलग पास कर दिया। अब मैं इनका प्रिंट ले लेता हूँ और प्रिंट लेने के लिए हमने कहा प्रिंट कर दे इसको, एक्स और वाई को प्रिंट कर दो। हमारे पास जो आउटपुट आएगा देखें, पहले पहले डेटा उठाएगा, फिर यहाँ से वैल्यू उठाएगा, फिर दूसरा उठाएगा, फिर यहाँ से वैल्यू उठाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, फिर दूसरा उठाएगा, फिर यहाँ से उठाएगा, इस तरह पास करेगा। तो पहले पेरेंट चलेगी, फिर चाइल्ड चलेगी, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, और इस तरीके से नेस्टेड लूप और पेरेंट लूप, अपर लूप और नेस्टेड लूप, ये दोनों साथ साथ चलेगी। तो पहले अपर लूप से डेटा उठाएगा, फिर उसकी जो है नेस्टेड से डेटा उठाएगा, फिर अपर से, फिर नेस्टेड से, ऐसा करके जो है वो सबसे डेटा लेकर आ जाएगा। तो हमारे पास नेस्टेड लूप बड़ी आसानी से फॉर लूप के अंदर पाइथन में यूज़ होती है। इसी तरह से अगर वाइल्ड लूप में देना चाहता हूँ तो वाइल्ड लूप का सिंटैक्स इसका तकरीबन सेम है, तकरीबन दूसरी लैंग्वेजेस जैसा ही है। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में ये होता है ना कि वाइल्ड लूप के लिए हमें पहले से वेरिएबल बना के रखते हैं, उसका इनिशियलाइज होना ज़रूरी है, उसको वैल्यू डिक्लेयर होना ज़रूरी है, और जो उसकी वैल्यू डिक्लेयर होती है वो आपकी लूप की स्टार्टिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, हमने कहा एक मिसाल वाई के नाम से लिया और मैंने इसको कर दिया वन, तो इसका मतलब है वाई एक वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू हो गई वन। और इसको अगर मैं लूप में देना चाहता हूँ तो फिर आपने वही वाइल की लूप चलाई है, फ़र्क क्या है, वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगती है या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगती है। और यहाँ पे जैसे हमने उसी वाई को चेक करना है, और जैसे हम नॉर्मल सी में, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, जावा में, इन सब लैंग्वेजेस में ये होता है हम पहले वेरिएबल बनाते हैं, फिर वाइल के अंदर आके हम कंडीशन लगाते हैं। तो वाइल में मैं कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन यहाँ नहीं लगती, या बगैर स्क्वायर ब्रैकेट कंडीशन लगती है। मैंने कहा वाई लेस दैन इक्वल टू, मैंने कहा एक मिसाल है टेन। अब मुझे यहाँ पे जो है इक्वल लेस दैन इक्वल टू का ऑप्शन भी मिलेगा, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो इसका मतलब है टेन तक चलेगा, वन से शुरू करेगा, और फिर इस जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में काम करते हैं, हमने कहा प्रिंट कर दो, हमने कहा प्रिंट कर दिया। इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं वाई को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब जब वाई को प्रिंट करेंगे फिर हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये फ़र्क ये है कि जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस के अंदर क्या करते हैं, मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, ये नहीं उठाता, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वाई इक्वल टू वाई प्लस वन या वाई प्लस इक्वल टू वन, ये मैं पहले ऑपरेटर्स में आपको बता चुका हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरे पास वन से लेकर टेन तक नंबर आ गया। वही सेम कॉन्सेप्ट है, पहले वेरिएबल बनाना चाहिए, उसकी वैल्यू डिक्लेयर होनी चाहिए, जो वैल्यू डिक्लेयर होगी वही आपकी लूप की स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने वाइल लिखना है, वाइल के अंदर हमने कंडीशन लगानी है, यहाँ भी लगाई, फिर वाइल की बॉडी बनती है, यहाँ पे हम कॉलन से बॉडी लगाते हैं, फिर हम प्रिंट करवाते हैं और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स लूप चलाना चाहता हूँ तो मैं वही कर लेते हैं, हम इसको कॉपी करके मैं इसको रिवर्स लूप की शक्ल दे देता हूँ। मैंने कहा वाई की वैल्यू मैं टेन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहाँ मैंने लेस देन दिया वहाँ मैं ग्रेटर देन दे दूंगा, और यहाँ से आके मैं इसको वन कर दूंगा, और जहाँ पे प्लस इक्वल टू वन कर दिया वहाँ मैं इसको माइनस इक्वल टू वन कर दूंगा। तो सिंपल तरीके से हमारे पास टेन से लेके वन तक नंबर आ जाएंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होता है, वैसे इसी में भी होता है, उसी तरह से काम होता है। ब्रेक कंटिन्यू वगैरह वैसे ही यूज़ होता है जैसे इसमें इस्तेमाल होता है, आप कंडीशन भी वैसे लगाते हैं। अब जैसे मैं इसके अंदर लगाना चाहता हूँ, मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पर आके चेक करवा लेता हूँ। मैंने कहा इफ़ y की वैल्यू जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हो जाती है तो देन उस सूरत में हमने कहा ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया, और इसके बाद मैंने इसको कर दिया तो वापस देखें 5 तक आके रुक गया। तो 10 से शुरू किया क्योंकि मैं रिवर्स लूप चला रहा हूँ, 10 से शुरू करेगा 10 9 8 7 6 5, और 5 पे आके इसने ब्रेक कर दिया। तो इसके बाद आपकी स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो गई और वहाँ से आगे लूप नहीं चलेगी। इसी तरह कंटिन्यू भी इस्तेमाल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये लूप रिपीटेशन के इस्तेमाल होता है, बाद में आगे हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डेटा साइंस के अंदर हम लोग जो है वो एरे पे ज़्यादा फोकस होता है, हमारा एक्सेल की फाइल पे, बिग डेटा पे, बड़े बड़े डेटाबेसिस के ऊपर हमारा फोकस होता है। वहाँ से हम इसको जो है वो ग्राफ की शिकल में लेना होता है, हमें स्पीड से सारा डेटा यकमुश चाहिए होता है। तो इन सब पर्पज़ के लिए आपके पास लूप
بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو اس کو اس کے بہت اچھی پریکٹس کیجیے گا، کیونکہ جب ہم بڑی پروگرامنگ پہ آئیں گے تو وہاں پہ پھر آپ کو سوچنا نہ پڑے، آپ وہاں پہ فوراً طریقے سے اسپیڈ سے کام کر سکیں. اس لیے ساتھ ساتھ اس کی ابھی پریکٹس کریں، بہت اچھی طرح پریکٹس کریں اور فل اس پہ کمانڈ رکھیں، تاکہ جب آپ ڈیٹا سائنس کے اوپر ہم آتے ہیں یا پھر ہم گراف وغیرہ پہ آتے ہیں، ویژولائزیشن پہ آتے ہیں، تو پھر اس وقت جب ایکسل سے ہم ڈیٹا فیچ کروا رہے ہوتے ہیں اور اس کے کالم کو آپس سے میچ کروانے ہوتے ہیں یا مرچ کروانا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں میں یہ چیزوں ان چیزوں کی لوپ کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہم ڈیٹا بیس پہ کام کریں گے وہاں بھی ضرورت پڑے گی. تو اس کی آپ پریکٹس کریں. میرا چینل پسند ہے، میری ریکارڈنگ پسند ہے، میری وے آف ٹیچنگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں. آپ کے جو کمنٹس ہوں گے اس میں جو ہے وہ کوئی اگر آپ کو چیز پوچھنی ہو تو کمنٹس کے ذریعے پوچھیں، میں آپ کو اس کا رپلائی دوں گا. اور اگر کوئی کسی ٹاپک پہ ٹریننگ چاہیے تو اس کا لکھیں، میں ایز سون ایز پاسبل وہ ٹریننگ بھی آپ کو دوں ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا. اور اس کے علاوہ اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو میرے سبسکرائب کریں. تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک میں چلا جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.